गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पे डाल कर देखो, मिट जाएगी आपकी दिल की चुभन, किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के एक वृद्धाश्रम में, और मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जमीनी और कद्दावर नेता इसरार अहमद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं रानी किसराय ब्लॉक के। और जब से देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के वजह से जब से देश में लॉकडाउन चल रहा है या अनलॉक वन चल रहा है, तब से आप लोगों जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, और कहीं से भी पूरे ज़िले या ज़िले के बाहर से भी अगर मदद की पुकार आई है तो इसरार अहमद वहाँ पहुँचे हैं और लोगों की उन्होंने मदद की है। आज ये वृद्धाश्रम में आए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रह चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, आप उन्हीं के पार्टी में हैं, कद्दावर नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, तो आज उनका जन्मदिन है और आज आप वृद्धाश्रम में मौजूद हैं, तो आने का यहाँ पर सबब पूछ लेते हैं कि आखिर ये कोई संयोग था या फिर पहले से सोची समझी हुई एक चीज़ थी कि हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाने का विचार। नहीं, कोई सोची समझी रणनीति नहीं था, ना कोई प्रोग्राम पहले था। यहाँ के जो डॉक्टर सुजीत राय हैं उनसे मेरी इत्तेफाकिया कहीं मुलाकात हो गई थी, उन्होंने ये निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था कि भैया हमारे वृद्धाश्रम पे आइए कभी। मैंने कहा ठीक है आऊँगा, मैं आज 4-5 दिन पहले आने वाला था, लेकिन इत्तेफाक कह लीजिए कि उनका मोबाइल ही नहीं मिल रहा था। और जब कल मेरी बात हो गई तो उन्होंने कहा भैया हम तो बाहर हैं, बहरहाल आप जा सकते हैं। मैंने कहा यार कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, इससे बढ़िया जन्मदिन मनाया ही नहीं जा सकता। संजोग से हो गया। देखिए मालिक जब खुश रहता है तो सब सही हो जाता है। और मैं जब बचपना में फिल्म देखता था, फिल्मों में देखता था वृद्धा आश्रम है, वहाँ बुजुर्ग लोग हैं, मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन आज स्वयं साक्षात आके देख लिया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ उन नाकारे औलादों पर जो अपने आप को औलाद समझते हैं कि हम फला के औलाद हैं। मैं तो कहता हूँ इंसान औलाद कुछ नहीं, वो जानवर से भी बदतर हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ दें इस तरीके से दद्दा की ठोकर करने के लिए। मैं बधाई दूंगा इस संगठन को जो ऐसे लोगों को अपने पास रख के उनकी सेवा करते हैं। आज मैं भी खुश नसीब हूँ कि जो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर मुझे आया शुभ अवसर मिला कि मैं इन लोगों की भी आके सेवा किया। मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर 23 लोग हैं, एक एक जोड़ा कपड़ा फल देने का काम किया है, और आगे भी मुझे इतना अब लगा हो गया आने के बाद कि आगे भी जब भी यहाँ कोई ज़रूरत होगी मैं आता रहूँगा, और बिना जरूरत भी मैं इनकी हालचाल लेने आता रहूँगा। अक्सर आप जब समाज सेवा के कामों की वजह से जब आपको लोग पुकारते हैं मदद के लिए तो आप वहाँ जाते हैं तो कोई ना कोई उनका साथ में रहने वाला होता है, घर का सदस्य होता है, लेकिन ये असहाय हैं, यहाँ पे हैं। यहाँ पे आने के बाद जब आपने इस कमरे में इंटर किया तो एक दूसरी दुनिया, मैं भी पहली बार किसी वृद्धाश्रम में गया हूँ, अंदर से पूरी तरह से हिल गया हूँ देख करके कि क्या कोई औलाद इतनी भी नकारी हो सकती है कि जिस माँ बाप ने उसको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी विवाह किया, आखिर में उसका साथ छोड़ करके अपने माँ बाप को यहाँ पे रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो क्या महसूस हुआ? महसूस का मतलब जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से हमने जो हमारी तालीम है, जो हमारा धर्म कहता है या हिंदू धर्म कहता है, उसका मानव होने का, इंसान होने का कोई मकसद नहीं है, उसको न दुनिया में मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएगा। मुझे अफसोस इनसे ज़्यादा उनकी है, वो बहुत बदनसीब औलाद हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग इनकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, करते रहेंगे। मुझे बताया गया है कि स्टाफ ने बताया कि 80 लोग हैं, लेकिन जिनका कोविड का जांच वगैरह हो रहा है उनको जो सही है उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। 23 लोग हैं मौके पे, लेकिन कुल संख्या 80 के आसपास है, उनको उनके घर पे छोड़ा गया है जैसे जैसे उनकी जाँच होती जाएगी। तो इन लोगों को मिल करके देख करके आपको क्या लगा, आगे भी आप इनसे मिलने आएंगे, इनकी मदद या सेवा करने का जो मौका मिला है, आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक से मुझे मौका मिला है, वो बदस्तूर जारी रहेगा? देखिए मैं अपने तो करूंगा ही, लेकिन मैं सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन से कहूंगा कि इधर उधर फालतू पोस्टर बैनर लगा के या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा केक काट के वहाँ हल्ला गुप्पा मचा के करने से बहुत ये मेरे समझ से फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। जो भी पैसा आप खर्चा करते हैं, चाहे पॉलिटिकल नज़रिए चाहे व्यक्तिगत नज़रिए से, उसमें से कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को भी निकाल के रखना चाहिए ताकि इन लोगों के समय पे काम आवे। और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आज आया हूँ, भविष्य में भी आता रहूँगा,
इनके लायक जो मेरी सेवा होगी मैं करता रहूँगा। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, चारों तरफ केक वगैरह कट रहा होगा, समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे आए हैं, वृद्धाश्रम में आए हैं, यहाँ का अनुभव एकदम बिल्कुल अलग है, शायद सबसे अनोखा जन्मदिन मनाया गया होगा अखिलेश यादव का। मैं इसलिए मैं खुश नसीब समझता हूँ, ये जो वृद्धा आश्रम चल रहा है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उन्हीं की बनाई हुई योजना है, उन्हीं की योजना से ये चल रहा है, उन्हीं का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है, उन्हीं की योजना, हाँ उन्हीं की योजना से चल रहा है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि कम से कम आज उनके जन्मदिन पर ऐसे लोगों की सेवा करके सही जन्मदिन मना लिया मैंने। और मैं उनके लिए ये कहूँगा कि साजे दिल के तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं, अखिलेश यादव जी आप सदा मुस्कुराते रहो, आपके मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं, दीवाने बहुत हैं। आप यहाँ पे आए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके क्या कहना है, जो साफ सफाई है, पंखे चल रहे हैं, जो बल्ब हैं जल रहे हैं, रोशनी के पूरे इंतजाम, तो क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे देखिए यहाँ के ये स्टाफ के हैं, इन्होंने हमको सब बताया कि महिलाओं महिला का अलग है बैरक, पुरुष का अलग है, रसोइयाँ का अलग है। मैं इसीलिए चार रसोइयाँ थी इसलिए मैंने उनका भी एक एक जोड़ा का व्यवस्था कर दिया। और यहाँ मुझे ये लगा कि इन लोगों ने जो यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को रखे हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास की सफाई है, फर्स्ट क्लास की व्यवस्था है, और इनको ये लग रहा है कि हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा कि ये लोग बेचारे कम से कम लग के इनकी खिदमत कर रहे हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो हमसे आप संबंध हो गया ये बताते रहेंगे, हम उनका पूरा करते हैं। एक आखिरी लेकिन पॉलिटिकल सवाल है, आजकल आपका जो मास्क है समाजवादी चर्चा का विषय बना हुआ है, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं युवाओं में आपका क्रेज इस तरह से बढ़ रहा है, लोग आप लोगों को मास्क दे रहे हैं और उसके तमाम फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, साथ ही साथ अखिलेश यादव ने आह्वान पत्र जारी किया है, जन्मदिन है, तो किस तरह से सफाई संकल्प लेकर के मैदान में उतरेंगे ताकि 2022 की भी तैयारी साथ साथ चल सके? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परसों जो मिला है हम लोगों का संदेश पत्र, वो गांव-गांव बांटना है, लोगों तक पहुंचाना है, शुरू कर दिया वो, मेरा तो शुरू हो गया उसी दिन से, शुरू हो गया परसों से ही शुरू हो गया है। और ये अलग से मैंने व्यवस्था बनाई थी कि लोगों को सुरक्षित रहना है, ठीक है कपड़ा है इस पर सिर्फ हमारा सिंबल लग गया, तो हम तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं दे रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हो रहा है लग रहा है भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे ये साबित होता है, मास्क की चर्चा, और इससे ये लग रहा है इस सरकार से लोग बज्जन हो चुके हैं। अब सबका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी की तरफ झुकाव है। मैंने फॉरवर्ड में भी मैं गया, बैकवर्ड में भी गया, अनुसूचित में भी गया, अल्पसंख्यक में भी गया, सभी लोग कह रहे हैं कि बिना अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में विकास नहीं होने वाला है, ना फायदा होने वाला है। अब तक की जो सरकारें चला रहे हैं ये लोग विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। आप शेर व शायरी अच्छी करते चाहूँगा कि इस इंटरव्यू का समापन आपके शेर शेर व शायरी कर दिया भाई है। मैं गमों की आँच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आँच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पे डाल कर देखो, मिट जाएगी आपकी दिल की चुभन, किसी के पैर से काटा निकाल कर देखो, किसी के पैर से काटा निकाल के देखो। तो आज स्टार अहमद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, कर्म क्षेत्र, इन्होंने सबको कन्फ्यूजन में कर दिया, क्योंकि सबके अपने अपने डिसाइड होते हैं कि मेरी विधानसभा है, मेरी लोकसभा है, लेकिन इन्होंने पूरे ज़िले या ज़िले के बाहर से जहाँ भी कहीं से आवाज़ आई हो मदद के लिए, अपने पहुँच के लोगों की मदद की है। और हमारी टीम की तरफ से भी दुआ है कि लोगों की मदद करने का जो ये सिलसिला है इसरार अहमद का, वो चलता रहे, इनका कारवां इसी तरह से चलता रहे, लोगों की मदद करते रहें जैसा कि इन्होंने आज यहाँ पे किया है। और हम लोग इनकी अच्छी चीज़ों को या समाज में किसी भी व्यक्ति की अच्छी चीज़ों को आप तक पहुँचाने का जो हमारा सिलसिला है उसको भी बदस्तूर जारी रखने का हमारा जो कोशिश है, हमारी जो कोशिश है उसको भी हम करते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई।